हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए, मैं मसाला ओट्स बना के आप लोग को दिखा रही हूँ गाइस। तो ये देखिए, ये मसाला ओट्स कितना अच्छा लग रहा है, और झटपट में ये आप बना सकते हैं, और काफ़ी हेल्दी होता है बच्चे के लिए और बूढ़े के लिए, सभी के लिए काफ़ी। आप भी खा सकते हो, बहुत हेल्दी होता है गाइस। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पापा जी के लिए बनाना था और पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, बट बहुत अच्छा बना है। तो आप देख सकते हो, इसमें आपके पास में जो भी हरी सब्जी है अवेलेबल, जैसे आप गोभी भी डाल सकते हो, बट मेरे पास में नहीं था तो मैं गोभी ऐड नहीं की हूँ इसमें। तो इसमें देखिए, ये मटर है, हरी मटर है, और प्याज टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि पापा जी के लिए बनाई हूँ तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में मैं यूज़ की हूँ, जैसे हरी मिर्च। और ये वोट्स, मेरा मिक्सी जार ख़राब हो गया है, तो इस वजह से मैं ये वाला ग्राइंडर था, तो हैंड ग्राइंडर इसको बोल सकते हैं। तो इसमें मैं इसको हल्का सा बारीक कर ली हूँ। वैसे अगर आपके पास में ग्राइंडर है तो आप इसको पाउडर बना लो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें थोड़ा सा हल्का ग्राइंड कर ली हूँ, और उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से, और फ्राई पैन में मैंने कुकिंग ऑयल, आपके पास में जो भी, आप घी में भी बना सकते हो, बट मैं घी में नहीं बनाई हूँ, क्योंकि पापा को शुगर फ्री है, तो पापा नहीं खाते हैं घी, तो इस वजह से मैं इसमें नहीं डाली हूँ। ओके, आप घी भी ऐड कर सकते हो, और सरसों तेल, कुकिंग ऑयल, कुछ भी आपके अपने हिसाब से, कुछ भी, कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर और हरी मिर्च मैं इसमें डाल दूँ गाइस। और सच में एक बार बना के देखना, सच में बहुत 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 अच्छा बनता है, बहुत झटपट में बन के तैयार होता है गाइस। तो ये देखिए, मैं इसमें सब कुछ ऐड कर दी हूँ इसमें, और इसको अच्छे से मैं चला लूँगी। और यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए ना, मेरे पास में वीडियो स्टैंड नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, खुद से ही कर रहा है, और मेरा ब्लॉग भी नहीं जा रहा है कंटिन्यू। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा, मतलब मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आ रखी हूँ छुट्टी, तो वहाँ पे ना, मतलब आपको पता है, फैमिली के साथ में रहना और वीडियो शूट करना काफ़ी महाभारत हो जाता है, इस वजह से। तो जैसे भी होगा, वैसे मैं धीरे धीरे वीडियो शूट करती रहूँगी गाइज, आप लोग को मैं देती रहूँगी। और मैं इसमें डाल दी हूँ, यहाँ पे बगल में ना ट्रेन है, रेलवे लाइन है, तो इसमें ट्रेन की आवाज़ आ रही है, तो आप थोड़ा सा देखना। और मैं इसको वॉइस ओवर करने के लिए छत पे आ रखी हूँ गाइस। तो ये देखिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना फैमिली के साथ में रहने के बाद में, क्योंकि पापा लोग को पता नहीं है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ ऐसा कुछ, तो इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो क्या है ना कि मैं इसमें डाल दी हूँ, और इसको अच्छे से चलाऊँगी, और इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और सब्जी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास में जो भी मसाला ओट्स बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर दी हूँ। उसके बाद में इसको अच्छे से मैं चलाऊँगी, तो आप देख ही सकते हो, तो मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। और सच में बहुत बहुत टेस्टी बना था, मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब पापा को पसंद आएगा, बट उनको बहुत पसंद आया। मैं पूछी कि पापा कैसा बना है मसाला ओट्स, तो वो बोले बेटा बहुत अच्छा बना है। तो जब आपकी फैमिली कोई खाता है ना, बना कर दे, तो कोई अगर तारीफ़ करता है ना, सच में मतलब दो गुना वो एनर्जी बढ़ जाता है यार, कि सच में। और मैं फर्स्ट, सच में जान कसम, आप लोग मतलब विश्वास रखना, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की हूँ, क्योंकि मैं कभी बनाई नहीं, मैं पापा के लिए लेके आई थी इस बार कैंटीन से, तो इस वजह से मैं इसको, मैं बोले कि चलो पापा के लिए लेके आते हैं, क्योंकि वो दलिया खाते हैं, तो मैं सोची कि इस बार उनको ओट्स बना के दिखाते हैं, नए नए चीज़ का भी ट्राई करना चाहिए। तो अब इसमें मैं सब कुछ ये भून गया है, मसाला भून गया है, तो अभी मैं इसमें पानी क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल दूंगी, थोड़ा सा ये पक जाएगा, उसके बाद में आप इसको मसाला और जो आपके पास में ओट्स है वो भी इसमें डाल के अच्छे से पका लीजिए, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख ही सकते हो, मैं इसमें पहले पानी डाल दी हूँ, कि थोड़ा बहुत मटर होगा ना, क्योंकि फ्रोजन मटर है, तो थोड़ा बहुत वैसे होगा तो हो जाएगा। और मैं इसमें सब्जी तो डाली नहीं हूँ, बस केवल मटर ही है, और हरी प्याज, सॉरी परी प्याज, मटर और मिर्च और ये टमाटर है, बस यही है। तो ये ऑलरेडी पक गया है, और मैं इसमें मसाला, गाइस मुझे जुकाम बहुत तेज़ लग गई है, इस वजह से थोड़ा वॉइस वैसे ऐसा आ रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा उसको हो करना, क्योंकि बोल नहीं पा रही, बोल रही हूँ ना, तो मुझे जिसे मतलब अजीब सा हो रहा है, तो इस वजह से आप आवाज़ से लग ही गया होगा, हमारे प्यारे प्यारे हमारी जो भी फैमिली है उनको मेरी आवाज़ से लग ही गया होगा, क्योंकि दो जगह का पानी लगा है ना, तो थोड़ा सा हो गया। और मैं इसमें पानी डाल दी हूँ गाइज,
और 5 मिनट भी नहीं लगता है आपको इसको पकने में। और पानी आप अच्छे से डाल दो, उसको अच्छे से बॉयल होने दो, और उसके बाद में जब ये अच्छे से बॉयल हो जाता है आपको खुद ही आपको देखने से लगेगा कि आपका ये मसाला ओट्स रेडी हो गया गाइस, ठीक है। तो आप इसमें हरी सब्ज़ी भी और भी कुछ ऐड करना, काफ़ी अच्छा मतलब टेस्ट और भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये दलिया से मैगी से काफ़ी अच्छा हटके बनता है और बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना था। तो ये देखिए ये हमारा मसाला ओट्स लगभग लगभग तैयार हो गया है। और फ्रेंड आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच के साथ में वीडियो देखना, और प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है। और जैसे भी धीरे धीरे जैसे भी मुझे टाइम लगेगा मैं पक्का ही वीडियो शूट करती रहूँगी, आप लोग के पास में वीडियो आते रहेगा। थोड़ा लेट हो सकता है, डेली व्लॉग नहीं जा पाएगा, बट जैसे भी होगा वैसे मैं कोशिश करूँगी आप लोग को डेली देने का। बट प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारा प्यार आप लोग देना। तो ये देखिए मेरा मसाला ओट्स तैयार हो गया टनटना। तो मैं अब जाऊंगी पापा को दूंगी, और सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। सच में पापा की तारीफ़ सुन के मुझे सच में दोगुना एनर्जी बढ़ गया कि सच में मतलब मैं 2 पैकेट लेके आई थी, मुझे ये डर था कि पता नहीं पापा को पसंद आएगा नहीं आएगा पता नहीं क्या, बट बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ फ्रेंड एक बार इस तरीके से आप बनाना, अगर अच्छा लगेगा मेरा मसाला ओट्स तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।